सो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं भारत भारती के पुस्तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 36 पे क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, तो ने x पावर 8 प्लस 1 अपॉन x पावर 8 का वैल्यू यानी मान क्या होगा। विकल्प ये चारों है, कैसे करना है, वही सिंपल सा मेथड है, उठाना है, वर्क करना है, फिर वर्क करना है, फिर वर्क करना है, टोटल 3 टाइम्स, बिकॉज यहाँ पे एक बार वर्क करेंगे तो स्क्वायर मिलेगा, दोबारा करेंगे तो घाते 4 मिलेंगे, तिबारा करेंगे तो 4 दुनिया 8 घाते 8 मिल जाएंगे, 3 टाइम करना है। और आप जानते हैं कि यक्स प्लस 1 अपॉन यक्स और स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पे यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यक्स स्क्वायर मिलता है और यहाँ पे प्लस 2 मिलता है। ठीक है, प्लस 2 मिलता है और ये प्लस 2 उधर जाके माइनस किया जाएगा, तो 3 * 9 यहाँ पे बनता है और ये जाके उधर माइनस करेगा। सो यहाँ पे हमको देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस वाली गिनती है तो ये प्लस में मिलता है, प्लस वाला उधर जाके माइनस होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट तरीक अपनाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि यहाँ पे हमारे पास 3 था तो हमने 3 का स्क्वायर किया, माइनस 2 किया, क्योंकि यहाँ पे 2 उधर जाके माइनस होगा, तो 3 * 9 माइनस 2 बराबर 9 माइनस 2 बराबर हमको 7 मिला। अब ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, यानी कि हमने घात 1 से लेकर के घात 2 तक पहुंचा दिए। ठीक, घात 1 से घात 2 तक पहुंचा दिया, तो घात 2 से अब की बार पहुंच जाएंगे 4, क्यों, घात 2 करेंगे तब, घात 2 करेंगे तो 7 सतह जो 7 का है स्क्वायर बनेगा और फिर से माइनस 2 होगा, 7 सतह 49 माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको 47। अब ये 47 मिल चुका है। अब घात 4 से घात 8 पे पहुंचाने के लिए, 4 से 8 पे पहुंचाने के लिए हमको फिर से इसका स्क्वायर करना होगा और माइनस 2 करना होगा, बस इतना सिंपल सा काम हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर करने का तरीका आपको मैं बता दूं, आपने जाना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है, तो विस्तार करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये मेथड होता है वर्क करने का। कैसे होता है, देखिए 47 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पे हमने पीछे वाले के स्क्वायर से स्टार्ट करना है, देख रहे हैं बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, 7 * 49 से लेके 4 इसको हटाते हैं, 49 को 9 के लिए लिख दिया। अब यहाँ पे 2ab यानी कि दोनों गिनतियों को गुणा, उसके बाद दोगुना, तो 7 * 4 = 28, 28 * 2 = 56 हो गया, और 56 में ही 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 60 का 0 लिख देंगे, हासिल क्या हो जाएगा, 6 आपका हो जाएगा। और उसके बाद ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है यानी कि 4 स्क्वायर, 4 * 16, 16 + 6 = 22, 16 + 6 = 22, 22 तो यहाँ पे ये 22 हो गया। अब यहाँ पे कितना, इतना कुछ मिल चुका है, अब यहाँ पे माइनस 2 करना पड़ेगा, जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, लेकिन 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, 0 ऐसे रहेगा, 22 ऐसे रहेगा, तो 22 * 7, तो 22 * 7 ये चौथा वाला विकल्प हमारे पास है, ये हो गया आंसर। अभी यहाँ पे देखिए स्क्वायर करने का ये पूरा मेथड आपको समझ में आया होगा आई होप, क्योंकि यही पूरा पैटर्न अपना रहे हैं, क्योंकि यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर क्या मिलता है, 9 माइनस 2 बराबर 7 मिलता है, फिर से स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिर से 2 आता फिर माइनस जाता है, फिर से स्क्वायर करते फिर 2 आता फिर उधर जाके माइनस जाता, तो ये मेथड अपनाया, तो इस वजह से इतना सब कुछ लंबा आया। और अभी क्या करना है, यहाँ पे जो हमने ये बताया स्क्वायर करने का तरीका सिंपल सा है, अभी यहाँ पे उतना ही समझ में आता है, दूसरा तरीका समझ लीजिए, जैसे कि अगर आपको 21 का वर्क करना है तो पीछे वाले का वर्क करेंगे, 1 * 1 = 1, फिर दोनों का गुणा करेंगे, 2 * 1 = 2 उसका दुगुना करेंगे, 2 * 2 = 4 उसको लिखेंगे, फिर इधर किनारे वाले 2 * 2 = 4 इसका वर्क करेंगे, 2 * 2 = 4, 21 का वर्क क्या हो गया, 447 हो गया। तो ये स्क्वायर करने का तरीका होता है, आई होप समझ में आया होगा। सो बस।